मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जहाँ मनोरोगण तथा व्यसनी लोगों को एडमिट करते हैं, रिश्तेदारों के साथ में या रिश्तेदारों के अलावा, दोनों भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ही हमारा संकल्प है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आचार्य चाणक्य ने जो ऐसे 5 दुर्गुण बताए थे जिसके वजह से आप अमीर नहीं बन सकते, वो ऐसे कौन से दुर्गुण हैं। आचार्य चाणक्य एक ऐसे वक्ता थे, ऐसे फिलोसोफर थे कि जिनका मतलब आचार्य चाणक्य के किताबें काफ़ी सारी बहुत फेमस हो चुकी है और उन्होंने जो विचार दिए वो आज भी वो हम ग्रहण करते हैं और उनके विचारों से हम चलते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि पहला कि जो आदमी अस्वच्छ रहता है, सबसे पहला उन्होंने बताया कि जो आदमी अस्वच्छ रहता है मतलब जो शारीरिक स्नान रोज नहीं करता, जो अच्छे कपड़े भले पुराने हो मगर अच्छे कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े, स्वच्छ कपड़े नहीं पहनता, तो वो आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता। उन्होंने बताया कि भाई रोज़ स्नान करना, अच्छे कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनना, गंदगी अपने पास में रखना नहीं, घर में गंदगी रखना नहीं, जहाँ वो जो क्लियर रहता है वो आदमी, तो अंदर से जो क्लियर है वो बाहर से क्लियर दिखता है, शरीर भी उसका क्लियर है और उसका मन भी क्लियर है, वो आदमी कभी भी अमीर हो सकता है। और ऐसा गुण यदि आपके पास में नहीं है, आप यदि अस्वच्छता रखते हो या आपका दुर्गुण होगा, तो आप कभी अमीर बन नहीं सकते। दूसरा उन्होंने बताया कि जो आदमी बहुत ज़्यादा खाना खाता है, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि हम मतलब वो लोग जीवा के लिए मतलब टेस्ट के लिए खाना खाते, पेट के लिए नहीं खाते, एनर्जी के लिए नहीं खाते। उनका खाना इसीलिए होता है कि उनको अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा खाना खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते रहते हैं और फिर बहुत सुस्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत जंक फूड खाते हैं ना, चाणक्य जी के ज़माने में पिज़्ज़ा और बर्गर ऐसा नहीं होगा, मगर अभी के अपने ज़माने में जो है कि जो पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, अलग अलग जो जंक फूड खाते हैं और जंक फूड खा के फिर सुस्त हो जाते हैं, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बनते, क्योंकि उनका चलन वहन जो है, हलचल जो है, घूमना फिरना जो है, वो एनर्जेटिक नहीं रहता, एक्टिव नहीं रहता, सुस्त हो जाते और वो काम नहीं करते। तीसरा उन्होंने दुर्गुण जो बताया वो है कटु शब्द बोलना। जो लोग कटु शब्द बोलते हैं मतलब कड़वे शब्द जो बोलते हैं लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, लोगों को अपमानजनक उनसे बात करते हैं, लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं और बेफजूल करते रहते हैं, बिना पूछे करते हैं, वो कभी अमीर नहीं बन सकते। क्या है कि लोगों को फुकट सलाह देने की बहुत आदत है, फुकट में लोगों को बुलाना, उनको बताना तुमने ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो वो करने वाले जो लोग हैं या लोगों की बुराई करने वाले जो लोग हैं, लोगों को सीधा मुंह के ऊपर बुरा बोलने वाले जो लोग हैं, वो कभी लोकप्रिय नहीं होते, उनको लोग अच्छे नहीं मानते और मतलब वो लोगों में प्रिय नहीं होने से लोगों के साथ में संबंध उनके ख़राब रहते हैं और वो कभी अमीर नहीं बन सकते। तो कभी भी अच्छा बोलो लोगों के साथ में। जब तक कोई आपको पूछता नहीं कि मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ करो, मुझे मेरी गलतियाँ बताओ, ऐसा कोई पूछता नहीं, तब तक किसी को गलतियाँ मत बताओ, कोई भी गलती मत बताओ, क्योंकि आपको किसी ने पूछा नहीं है, क्यों बताना गलती। हाँ, कोई पूछता है मुझे, भाई मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे सीखना है, मेरी गलतियाँ मुझे देखना है, तो आप बताओ, तो फिर आप बता सकते हैं, फिर आप टीका कर सकते हैं। चौथा उन्होंने जो बताया, उन्होंने बोला गंदे दांत, मतलब जिसके मुंह का बांस आ रहा है, जो दांत साफ नहीं करता रोज और साफ ना करने की वजह से मुंह का बांस आते रहता है, वो जो अमीर है मतलब वो जो इंसान है वो कभी अमीर नहीं बन सकता। उसको लोग टालते रहते कि उसके मुंह की बांस आती है, उसके ऐसे काफ़ी लोगों के जो आपके पास में आते हैं ना, तो आप थोड़े दूर हो जाते हैं उनसे, उनके मुँह को बांस आ जाती है, तो लोग पसंद नहीं करते उसको कि नहीं भाई ये इंसान से दूर ही रहो, बांस मारता है। तो दांत साफ करना, दांत अच्छे खासे मतलब स्वच्छ रखना और अच्छे हालात में रखना, अच्छे कंडीशन में रखना, यह बहुत बड़ी बात होती है। और यह मतलब है काम करने के लिए छोटी बात, मगर उसका इफेक्ट बहुत बड़ा है, तो ये हमने करना चाहिए। और यदि नहीं करते हैं तो अमीर नहीं बन सकता आदमी। और पांचवा इन्होंने बताया कि भाई सूर्योदय के बाद में मतलब सूर्योदय होता है उसके बाद में भी जो लोग सोते रहते हैं, जो लोग देरी से उठते हैं, मराठी में ऐसा बोलते हैं कि लवकर निजे लवकर उठे तया ज्ञान संपत्ति भेटे, मतलब जो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है उसको ज्ञान और संपत्ति बहुत ज़्यादा मिलती है। तो जल्दी उठने वाला जो है, जल्दी जब उठते लोग हैं तो फटाफट फटाफट लोग अपनी क्रियाकर्म कर लेते हैं, बहुत सारे काम फटाफट निकल जाते हैं, मतलब जल्दी हो जाते हैं, एक्सरसाइज करना है या कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनना है
देखना है या कोई अच्छी बातें पढ़ना है, मतलब ऐसे काफ़ी सारे बातें सवेरे सवेरे हो जाती है जब लोग अपने काम में बाकी लोग बिजी रहते, तब नहीं ये काम करना चाहिए। तो और ये यदि गुण आपके पास में नहीं, ये दुर्गुण है कि भाई आप सुस्त होकर सोते रहते हैं काफ़ी लेट तक, तो वो ये दुर्गुण है, आपको अमीर नहीं बना सकता। इसलिए सूर्योदय के बाद में नींद नहीं लेना चाहिए, सूर्योदय के पहले ही उठना चाहिए। तो ऐसे पाँच गुण है, या उसको पाँच दुर्गुण भी बोल सकते हैं कि ये दुर्गुण यदि आपके पास में तो आप अमीर नहीं बन सकते, या पाँच गुण आपके पास में है इसमें कि तो फिर आप अमीर बन सकते हैं। तो ये आप जरूर आपके इसमें अपनाइएगा। काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको आप ये आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन जो है वो जैसा वीडियो में लोड करूँगा वैसे आ जाएंगे। आपको लाइक, आपको बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो, आपके दोस्तों में शेयर करो, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।